विशाल, आप आजकल म्यूजियम में रेप्लिकास का काम कर रहे हैं और आर्ट रिसोर्स पर्सन भी हैं जी और जी ब्रॉन्ज कास्टिंग में नया काम कर रहे हैं जी तो, और चंडीगढ़ में बड़े सालों से आप सीनियर स्कल्प्टर हैं, तो थोड़ा जी बताइए अपने बारे में, अपने काम के बारे में। म्यूजियम में तो यहाँ मैं अभी 6 साल हो गए मेरे को, एज एन आर्ट रिसोर्स पर्सन मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बट चंडीगढ़ में मैं यहाँ BFA करने के लिए आया था 1995 में, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था स्कल्पचर के साथ। तो उससे पहले मैं आई वाज डूइंग BA इन पेंटिंग अच्छा, कहाँ से विशाल? मुजफ्फरनगर यूपी अच्छा से। अच्छा तो यूपी से इतनी दूर चंडीगढ़ आए? अच्छा जी, अकेले आया, और क्योंकि इंटरेस्ट था आर्ट में बचपन से, घर में एक माहौल हमेशा, मेरे मदर भी आर्टिस्ट हैं अच्छा और फादर मेरे वो भी एक नॉन लिटरेरी पर्सन है, अच्छा अच्छा तो घर में वो एक इसको कहते ना एटमॉस्फियर हमेशा रहता था, म्यूजिक, फाइन आर्ट और हर तरह की आर्ट्स का, लिटरेचर और मेरे फादर की खूब बड़ी लाइब्रेरी अपनी उनकी है घर में, तो ये सारी चीज़ें घर से ही मिली बचपन से ही। मतलब मदर को पेंटिंग करते देखता था, वो ऑयल पेंटिंग, तो वो स्मेल जो टर्पेंटाइन ऑयल की स्मेल वो घर में रहती थी, तो जी वो अभी तक वो दिमाग में हम्म, फैसिनेट करती थी वो चीज़ें, तो उसने फैसिनेट किया, तो फिर BFA का आगे से पता लगा, तो BFA करने यहाँ आया, यहाँ स्कल्पचर में एडमिशन मिली, तो स्कल्पचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो ट्राई किया पेंटिंग में मिल जाए किसी तरह से। बट स्कल्पचर में एक बार एंट्री लेने के बाद कुछ सीनियर थे हमारे, उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो स्कल्पचर के बारे में पता लगा कि क्या है, फिर स्कल्पचर से इतना ज़्यादा जुड़ा हो गया कि मेरा फिर पेंटिंग में अगर मेरा आ भी गया नंबर, फिर मैंने उसमें लिया नहीं, अच्छा मैं अच्छा स्कल्पचर में फिर मैं कंटिन्यू किया। तो क्या था ऐसा स्कल्पचर में जो आपने पेंटिंग भी छोड़ दी? और दैट वाज उस टाइम एक नया मीडियम मिला मुझे, पेंटिंग तो मैं कर ही रहा कर ही रहे था, थे BA में भी कर ही रहा था, बट स्कल्पचर में आके एक वो कभी ऐसा देखा नहीं था कभी इस तरह की चीज़, 3D में जहाँ दोनों हाथों से काम हो रहा हो, इस तरह का एक जो उसमें वर्क करने की पॉसिबिलिटीज़, वो मेरे को उसमें ज़्यादा लगी और फैसिनेशन मेरी उसमें बढ़ गई, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया स्कल्पचर में। क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे कॉलेज में जो एनरिच किया, जिसने आपको एज अ पर्सन, एज अ स्कल्प्टर, और क्या एक्सप्लोर किया आपने कॉलेज में जो आपके आगे भी काम आया? चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज ने मेरे को स्कल्पचर में जो बेसिक टेक्निक्स, बेसिक फैसिलिटीज, स्टूडियो जो एक स्कल्प्टर के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो एक एम्बियंस, एक एटमॉस्फियर वो मेरे को दिया, जिसने मेरे अंदर से आर्टिस्ट को, एक स्कल्प्टर को जगाया। उसमें फिर वो सारी मेमोरीज मेरी जो बचपन की, जो मैं बचपन में रेत, हमारे घर में हमेशा कंस्ट्रक्शन चलती रहती थी, फादर को बड़ा इंटरेस्ट था कंस्ट्रक्शन कराने का, काफ़ी बड़ा घर था तो वो लगे रहते थे, तो रेत हमेशा पड़ा होता था घर में, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे तो उसमें रेत में हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, तो वो चीज़ उस वहाँ उस टाइम कुछ टेक्निकल नॉलेज तो थी नहीं, तो वो मेमोरीज को लेके जब मैं आगे, मैंने यहाँ काम किया, यहाँ वो टेक्निकल सपोर्ट, हाउ टू बिल्ड स्कल्पचर 3D फॉर्म, वो टेक्निकल चीज़ें वो यहाँ से मेरे को मिली, जिसने मेरे को आगे इंस्पायर किया, डिफरेंट मटेरियल में कैसे, हाउ टू कन्वर्ट, वो चीज़ें सब टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी भी है,
आर्टिस्ट के लिए खुद को टेक्निकल नॉलेज हो, एकेडमिक्स का यही एक रोल होता है, अदरवाइज एक आर्टिस्ट को कुछ घर में रह के भी कर सकता है, लेकिन एक एकेडमी में या एक कॉलेज में से जो लेता है वो टेक्निकल नॉलेज होती है बेसिकली। तो आपने कॉलेज में तो खैर वेरियस मटेरियल्स में काम किया होगा, जी, तो MFA कहाँ के लिए कहाँ गए फिर आप? MFA उस टाइम हमारे यहाँ पे कॉलेज में नहीं होती थी, तो मैं MFA के लिए मैं IKS यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, दैट इज इन खैरागढ़, एंड दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी फॉर म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, जहाँ सिर्फ म्यूजिक और फाइन आर्ट्स ही था और चारों तरफ सिर्फ म्यूजिक और आर्ट, नथिंग एल्स। तो वो एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ का जिसने मेरी लाइफ को फ्लिप कर दिया। मैं सब जगह, मैंने यहाँ से गोल्ड मेडल लिया BFA में, गोल्ड मेडलिस्ट था। यहाँ से फिर मैं MFA के लिए आगे निकला, तो सब जगह काफ़ी यूनिवर्सिटीज में, काफ़ी कॉलेजेस में गया MFA के लिए ट्राई करने के लिए। तो मेरा खैरागढ़ में एडमिशन हुआ, जहाँ मैं समझता हूँ कि वो मेरी डेस्टिनी डेस्टिनी थी जो मेरे को वहाँ लेके गई, जो मेरे अंदर से जो जुड़ाव म्यूजिक के लिए है और फाइन आर्ट दोनों के लिए है, वो मेरे वो दोनों चीज़ें वहाँ फुलफिल हो गई वहाँ, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक और फाइन आर्ट था, चारों तरफ म्यूजिक म्यूजिक। वो ऐसी ही जगह है जहाँ पे वो हम सिर्फ सिर्फ सो सकते हैं वो बातों में, मतलब ऐसा इम्पैक्ट है, मैं कभी अभी अभी तक मैं उस बुला नहीं सकता हूँ, मेरे अभी भी सोचूं तो मैं वहाँ वहीं पे पहुँच जाता हूँ। कैंपस में हम एंटर करते थे सुबह 5 बजे, और बहुत ह्यूज कैंपस, और वहाँ क्लासिकल म्यूजिक चल रहा होता था कैंपस के लिए, कोई नहीं है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, और इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। तो म्यूजिक का शुरू से शौक था कि वहां जाके पैदा हुआ? नहीं, शुरू से था, शुरू से बचपन था से और था। वहां जाके? हाँ, मैं बचपन से क्लासिकल भी, मेरे मम्मी भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। तो वहां जाके एज एन आर्टिस्ट क्या मिला या क्या सीखा या कैसे चेंज हुए एज अ स्कल्प्टर और किस तरह का काम शुरू किया, क्या आइडियोलॉजी थी यूनिवर्सिटी में? खैरागढ़ में मैं गया तो गुरु क्या चीज़ होती है ये मेरे को पहली बार वहाँ पता लगा। हमारे डीन और HOD स्कल्पचर डिपार्टमेंट के श्री शिव प्रसाद चौधरी, इज फ्रॉम शांति निकेतन बेसिकली। तो शुरू शुरू में तो क्योंकि वो बांग्ला ज़्यादा बोलते थे तो हमारे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी, बट उन्होंने वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली इम्पोर्टेंस देते थे, तो स्टूडेंट को उनके हिसाब से मोल्ड नहीं होना पड़ता था, वो इंडिविजुअली सब स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग मोल्ड अपने आप को करते थे, मतलब ये उनकी ग्रेटनेस थी। तो वो बाद में समझ में आए हमारे कि क्या किस तरह से वो सबको लेके अलग अलग सोचते हैं, और बिल्कुल जो एटमॉस्फियर था, जो एक कहते ना कि वर्किंग एटमॉस्फियर वो कैसा होता है वो वहां जाके मेरे को पता लग गया। तो वहाँ क्या काम किया आपने, किस मटेरियल्स में, क्या सब्जेक्ट्स में? वहां पे सभी मटेरियल्स में काम किया। उन्होंने शिव प्रसाद चौधरी, उनका कहना था कि आप अपने आप को जब एकेडमिक्स में आए हो तो एकेडमिकली अपने आप को स्ट्रांग करो। बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ कमियाँ थी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट में, जैसे मेटल कास्टिंग उस टाइम नहीं थी, हमारे टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी नहीं थी उस टाइम, तो उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ मेरे कमियाँ अंदर से खोज खोज के वो कमियाँ मेरी टेक्निकली सारी परफेक्शन करने की कोशिश करी है, वो चीज़ें निकल के आई। सब्जेक्ट भी हम अगर आर्ट के लिए बात करें तो वहाँ कैसे अपने एक वर्क को सब्जेक्ट के, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके, या कोई आप काम कर रहे हो तो
थॉट, उसकी फॉर्म, उसकी सब्जेक्ट को कैसे कंसंट्रेट करके एक आउटकम निकालनी है, ये क्या प्रोसेस क्या है उसका, बेसिकली वो वहाँ से आपने सीखा और पता लगा। तो जब वहाँ से आए तो फिर क्या सोचा कि क्या किया या क्या दिमाग में था, जर्नी कहाँ किस तरफ चली? जर्नी MFA पास आउट करने के साथ ही मेरी जॉब लग गई है यहाँ मुजफ्फरनगर DAV कॉलेज, PG कॉलेज में, जिस कॉलेज से मैं BA कर रहा था और छोड़ के BFA के लिए आया था, सेम कॉलेज में वहाँ ज्वाइन किया आफ्टर MFA, और 3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया स्कल्पचर, और उस दौरान काफ़ी सारे इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज किए और मोन्यूमेंटल स्कल्पचर वहाँ पे बनाए और एक आर्ट फेयर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आया था MFA से वहाँ खैरागढ़ से, वो ऐसा वर्किंग एटमोसफियर मैंने देखा नहीं था जिस स्पीड से और जितनी बल्क में काम वहाँ होता था। तो आपने कोशिश की कि वो मैंने कोशिश की मैं ट्रांसफर करूँ अपने स्टूडेंट्स में। तो देन 2003 में मेरी जॉब यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में लगी, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन किया, देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद म्यूरल्स, मैंने चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी ह्यूज म्यूरल्स क्रिएट किए हैं कई जगह, जो सेक्टर 47 के स्कूल में मैंने काफ़ी बड़ा म्यूरल बनाया है, सेक्टर 10 में बनाया है, सेक्टर 53 के स्कूल में बनाया है, काफ़ी ह्यूज म्यूरल्स बनाए। देन इन बिटवीन मेरे को फिर यहाँ पे एज एन आर्ट रिसोर्स पर्सन म्यूजियम में इन्होंने डेपुटेशन पे मैं यहाँ पे अभी हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारे म्यूजियम में जो कलेक्शन में जो स्कल्पचर्स हैं पुराने, उनको मैं रेप्लिकेट करता हूँ ऐसा सामने रख के देख के उनको, और स्केल डाउन करके जो भी ह्यूज वर्क है वो स्केल डाउन करके कैरेबल साइज बना के उसको बेचने के लिए, फॉर सेलिंग पर्पस। तो अपना इंडिविजुअल काम में क्या कर रहे हैं, किस तरह की एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या मटेरियल्स यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने मेरा MFA में जो मेन सब्जेक्ट था वो मेटल कास्टिंग से रिलेटेड था, मैंने मेटल कास्टिंग में मेरी मास्टरी वहाँ मैंने सीखा बहुत डिटेल में, और बट मेटल कास्टिंग के लिए इंडिविजुअली बड़ा रिसोर्स चाहिए होता है, बहुत महंगा मीडियम है, तो बट आई एम डूइंग रेगुलरली इन दैट मीडियम। अभी रिसेंटली मेरे सीरीज चल रही है वो मेटल कास्टिंग में ही कर रहा हूँ। कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? ब्रॉन्ज। तो सब्जेक्ट या थीम क्या है आपके काम की? सब्जेक्ट जो आई हैव डन PhD इन दिस सब्जेक्ट, इट्स रिलेटेड टू शैव दर्शन से रिलेटेड। शैव दर्शन द फिलोसफी ऑफ शिवा। तो उसमें तो क्या फिलोसफी है? फिलोसफी तो बहुत वाइड है, बट जो वैदिक थीम को मैंने उसमें उठाया कि जो हमारा बेसिकली टाइम बाय टाइम वो चेंज हो गया सारा कुछ, बट जो इनिशियली जो वैदिक हमारे सिंबल्स थे वो बहुत साइंटिफिक रियली डिपिक्ट होते थे, बट टाइम से उनके मीनिंग्स चेंज हो गए। मैंने लेकिन वो मेन जो आइकोनोग्राफिकल उसको सेंटर में रख के, और जो तांत्रिक सिंबल एंड वैदिक रिचुअल सिंबल्स उनको कंबाइन करके रिसर्च की है, देन वही सब्जेक्ट मेरे वर्क्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं ये फिलॉसफी या सिंबल्स अपने काम में? मैं कोशिश नहीं करता
ये एक्चुअली जैसे ये होता है ना कि शुरू शुरू में हम ड्राइविंग करने की कोशिश करते हैं, कार चला रहे हैं, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, गियर डालना है, क्लच पे पैर रखना है, बट इन द मीन टाइम आप जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है फिर वो साइमल्टेनियसली हो अपने आप होता है। तो इसी तरह से वो ये सब सब्जेक्ट पढ़ा समझा, और जब वर्क करने में होता हूँ तो उसका मीनिंग सिंबल्स का क्या है, कौन सा सिंबल कैसा है, उसको अपने हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वो मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो ये स्कल्पचर्स डिफरेंट फॉर्म स्पेस टाइम के साथ अलग अलग होते होंगे बिल्कुल आपके। बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या होता है कि ये सब्जेक्ट या वर्क या फॉर्म डिसाइड हम करते हैं, बट ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आप पूरे जो अपनी जर्नी है वहां से निकल के आती हैं, उनको टच करती हुई आती हैं। तो कोई ना कोई कारण, जैसे कारण मैं सोच समझता हूँ कि उनके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई मतलब रहता है। ये सब्जेक्ट पे मैं क्यों आया, मैं किस लिए आया, उसका एक कारण है। क्योंकि मेरे फादर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो लिटरेरी पर्सन है, वैदिक लिटरेचर पे उनकी मास्टरी है, वो राइटर भी है, वैदिक राइटर भी। तो वो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइब्रेरी, वो बुक्स मेरे को बचपन से फैसिनेट करती थी। पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, बहुत मोटी मोटी बुक्स होती, बट फिर भी उनको निकाल के कभी कभी एक पन्ना दो पन्ना पढ़ लेता था। वो कहीं ना कहीं एक माइंड में इम्पैक्ट डाल जाते थे। वैदिक मंत्र, उनके 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 ट्रांसलेशन वो फादर से समझते थे। उन्होंने बुक भी लिखी, वो भी मैंने पढ़ी, कि जो वैदिक मंत्राज के ट्रांसलेशन, वो एक इम्पैक्ट दिमाग पर डाल जाते थे। धीरे 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 जब तक यहाँ मैं बीएफए कर रहा था, तब तक ऐसा कोई वो सब्जेक्ट का मेरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। बट मैं जब एमएफए के लिए खैरागढ़ गया तो वहाँ की एम्बियंस ने, वहाँ के कल्चर ने, वहाँ की लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल था। वो ह्यूज लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और वहाँ जो लाइब्रेरी में जो ग्रंथ थे वो अल्टीमेट देखने वाले थे। ऐसे ऐसे वहाँ जो बुक्स मैंने निकाल के पढ़ी आर्ट से रिलेटेड, जो मुझे यहाँ और कहीं नहीं मिली, वो मेरा इंटरेस्ट एक डेवलप हुआ पढ़ने की तरफ। वो फिर सब्जेक्ट मेरे को जिसको अच्छा लगने लगा, मैंने उस पे साइमल्टेनियसली फॉर्म्स भी, उससे रिलेटेड आर्टिस्ट, किन किन आर्टिस्टों ने इस सब्जेक्ट को लेके काम किया, वो मैंने सर्च करना शुरू किया। मेरा जो डिजर्टेशन एमएफए में होता है वो भी फिर उसी सब्जेक्ट को, योगिक रिचुअल सिंबल्स को लेके मैंने किया। वो उसी तरह से फिर कंटिन्यू करता गया करता गया। तो आज जो मैं काम करता हूँ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए कि कौन सा सिंबल का क्या मतलब है, कैसे है वो, एक मैं क्या कहना चाहता हूँ ये प्राइम होता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने स्कल्पचर्स के थ्रू टू द ऑडियंस और टू योरसेल्फ? व्हाट इज दैट? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं जस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बट फिलोसफी और इंटरेक्शन पॉसिबल है वैदिक फिलोसफी के साथ? इंटरेक्शन, वैदिक फिलॉसफी इज एक्चुअली अबाउट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन टू योर सेल्फ, इंटरेक्शन टू योर वर्ल्ड। तो वो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली जो वैदिक ये ऋग्वेद का कोट सूक्ति है कि जो कुछ हमारे शरीर में है वो पूरे कॉस्मोस में है,
ठीक है, हम अपने शरीर की या अपने अपने तक की बात भी करें तो वो पूरे कॉस्मोस की बात है। ये फिलॉसफी वैदिक रिचुअल सिंबल्स की है। तो उसी को मैं कंटिन्यू, किस हद तक मैं कामयाब हो रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं अपने वक्त के थ्रू बात वही कहना चाहता हूँ। इंटरैक्ट करना चाहिए। जी जी। और ब्रॉन्ज में काम करना कितना चैलेंजिंग है, कास्टिंग और चैलेंजिंग है बिल्कुल। ब्रॉन्ज मुझे पसंद शायद इसलिए कि मैं थोड़ा सा बॉडी बिल्डर भी रहा हूँ तो इस तरह के हार्ड वर्क करना मेरे को पसंद है, ह्यूज वर्क करना पसंद है। तो जो सॉलिडिटी, जो फॉर्म की हार्डनेस और हार्डनेस में सॉफ्टनेस ब्रॉन्ज इट्सेल्फ लेके आता है, जो उसका इम्पैक्ट है वो मेरे को अच्छा लगता है। तो वो मैं इसलिए। और उसको ट्रीट करना कितना, इज इट डिफिकल्ट टू ट्रीट और देयर इज अ स्पेशल टेक्निक फॉर इट? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कास्टिंग की भी बहुत लेंथी प्रोसेस है। ओके है ना, यू फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट क्ले, देन मोल्ड इट इनटू डिफरेंट मटेरियल, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं वैक्स में। अच्छा, कई प्रोसेस है। ओके, काफी स्टेजेस में जाके काम कंप्लीट होता है। ओके, वैक्स में, फिर अलग मेटल में आता है, फिर उसकी कटिंग, चीजलिंग और फिनिशिंग, काफी लेंथी प्रोसेस है। एंड एंड उसमें पैटिना प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेसिंग हम करके उसमें कलर, डिफरेंट कलर हम उसको क्रिएट करते हैं। ओके ओके, बट यू एंजॉय द एंटायर प्रोसेस? एंटायर प्रोसेस बहुत मजा आता है। वो 1500 डिग्री टेम्परेचर पे वो मेटल जब मेल्ट हो जाता है तो उसमें हाथ डाल के निकालना उसको, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा लगता है। तो हमने लगता है कि हाँ, किसी प्रोसेस के थ्रू हम एक आर्ट को कर रहे हैं। और आपके काम काफी बड़े स्केल पे भी होते होंगे ब्रॉन्ज के, क्योंकि कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है, तो उसमें अभी ज्यादा बड़े नहीं किए, करने की इच्छा जरूर है कि बड़े काम करूं। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो ब्रॉन्ज साइज यूज करते हैं लोग, उनसे बड़े जरूर है। राइट राइट। तो आप काफी रिसर्च भी करते हैं दूसरे आर्टिस्ट इस मटेरियल को कैसे यूज करते हैं और टू? जी 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 बिल्कुल। कैसे फॉरेन में कैसे काम हो रहा है इस मटेरियल को लेके, और कैसे वो लोग कैसे इस मटेरियल को ट्रीट करते हैं। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, हम नेट से भी बड़ा कुछ देख सकते हैं। बट जहाँ जब मैंने सीखा ये सब कुछ, तब ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। हम छोटी छोटी चीजें अलग अलग लोगों के पास जाके, शांति निकेतन जाके, कहीं कहीं जाके, कोई भी आ जाता था कोई बड़ा आर्टिस्ट, उससे जाके छोटी छोटी टेक्निकल चीजें पूछते थे, ये पतीना कैसे करते हैं, ये पतीना कैसे करते हैं, तो उसमें हॉलो प्रोसेस में क्या करना है, छोटी छोटी चीजें होती है। क्योंकि मेटल कास्टिंग जितनी बार भी हम करते हैं वो एक नया एक्सपीरियंस देके जाती है। अच्छा। हर बार एक नया एक्सपीरियंस देके जाती है। उसमें मतलब हमें श्योरिटी होती है, बट 1% का उसमें फिर भी रख के चलता है कि अब की बार कुछ नया होगा तो वो कांस्टेंट एक्साइटमेंट होती है। ओके, तो आजकल के टाइम में कौन से स्कल्प्टर्स हैं या कौन से आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और स्पेशली इन द फील्ड? काफी आर्टिस्ट हैं, सुबोध गुप्ता का वर्क मेरे को अच्छा लगता है। उनके उनके जो अनीश कपूर के काम मेरे को, जो स्केल के वर्क के है वो देख के बहुत, उस स्केल में मतलब सोचने का मन करता है। ओके ओके, तो आगे कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ डेवलप करने की, नया करने की? बिल्कुल, नए के लिए तो हमेशा आगे सोचना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम कभी भी जो है हाथ में नहीं रहता। जो आज से 10 साल पहले मैं कर रहा था वो आज नहीं कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाती हैं और हम उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं।
कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा कोशिश में लगा रहता हूँ। तो म्यूजिक का क्या रोल रहा है अब जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, म्यूजियम में भी काम कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो म्यूजिक आपके वर्क को कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है या इनहेंस करता है या अभी भी है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल, म्यूजिक कभी स्किप हो नहीं सकता और मेरे को अभी टाइम नहीं मिलता रियाज करने का या सच सोचने का, तो मैंने वो एंड्रॉयड तानपुरा होता है ना मोबाइल में, मैं कार में लगाता हूँ, मेरे को 1 घंटा घर से और म्यूजियम तक आने में लगता है, सुबह 1 घंटा मेरा वापसी का है, वो मेरे 2 घंटे दिन के वो मेरा रियाज का टाइम होता है कार में, मैं रियाज करता हूँ। तो वो आपके काम में भी काम में इन्फ्लुएंस करता होगा। एक्चुअली जो जो एलिमेंट्स हमारे म्यूजिक में है, जो एलिमेंट्स हमारे लिटरेचर में है, वो सेम एलिमेंट्स में हम अपने फॉर्म्स में काम कर रहे हैं, उसमें भी रिदम है, उसमें भी सब कुछ है, बैलेंस है, सब है। जो आपकी सब्जेक्ट सब्जेक्ट में भी सेम है। दैट्स राइट। म्यूजिक और हम किसी भी फाइन आर्ट को अलग नहीं कर सकते, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। वो सेंसिबिलिटी, वो यू नो एक सॉफ्ट टच, वो चीजें वो कहीं ना कहीं वो आपस में मिलती है। मिलती है। थैंक यू विशाल। थैंक यू।